महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला रामपुर का है, जहां एक युवक ने पहले तो महिला से फेसबुक के जरिए दोस्ती की, उसके बाद महिला को रामपुर बुलाकर युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महिला से सामूहिक बलात्कार किया। पीड़ित महिला ने युवक पर धर्म परिवर्तन कराने और बेचने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि पीड़ित महिला की तहरीर पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपी को पुलिस तलाश कर रही है। ये एक विवाहिता लड़की है जो जालंधर में रहती है। फेसबुक के माध्यम से किसी लड़के से इसका संबंध स्थापित हुआ है और उसी के कहने पर ही इसको रामपुर बुला लिया गया था और यहाँ इसने मिलक थाने पर आकर तहरीर दी है कि मेरे साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और उसे झांसी में डालकर उसको यहाँ बुलाया गया है। पहले थाना से सुबह ही आई थी जी। मैं वहाँ से रात को 9 बजे की ट्रेन बैठी और सुबह 6:30 बजे रामपुर स्टेशन में पहुंची। तो मैंने आके एक रेशमू नाम का लड़का बैसूरी स्टेट पर रहने वाला रामपुर से, तो उसके चक्कर में मैं यहाँ पे आई थी। उसने मुझे 2 साल से यही झांसे में रखा कि मैं तेरे से शादी करूंगा। शादी करने के बहाने उसने मेरा गलत यूज करना शुरू कर दिया।